नमस्कार सभी को, मैं मत्तू केवट। मैं आज आपको इस वीडियो के माध्यम से कक्षा पाँचवीं विषय शिष्यवृत्ति के अंतर्गत बुद्धिमत्ता विषय में तर्क संगति व अनुमान इस घटक का परिचय कराने जा रहा हूँ। तो इस घटक के अंतर्गत आपको भाषिक व अभाषिक दो प्रकार के प्रश्न आते हैं और इन प्रश्नों को हमें अपनी कल्पना शक्ति व विचार शक्ति का उपयोग करके अनुमान और तर्क शास्त्र के नियमानुसार इसका निष्कर्ष निकालना पड़ता है। तो इसमें भाषिक प्रश्नों में देखिए आयु, तुलना, नाम में परिवर्तन व रिश्तों से संबंधित प्रश्न आते हैं। तो यह प्रश्न जो है रिश्तों से संबंधित प्रश्न है। तो देखिए इस प्रश्न को हम किस तरह से इसका तर्क संगत से किस तरह से हम उत्तर को ज्ञात करते हैं। तो देखिए पहला प्रश्न है, सामने खड़ी लड़की की ओर देखकर वैभव ने कहा कि इसके पिताजी मेरी माँ को माँ कहते हैं। तो वैभव से उस लड़की का क्या रिश्ता है? प्रश्न फिर से देखिए, रिश्तों से संबंधित प्रश्न है। सामने खड़ी लड़की की ओर देखकर वैभव ने कहा कि इसके पिताजी मेरी माँ को माँ कहते हैं। तो वैभव से उस लड़की का क्या रिश्ता है? इसमें पर्याय देखिए, चार पर्याय दिए रहते हैं। पहला पर्याय है चाचा, दूसरा पर्याय है भतीजी, तीसरा पर्याय है बहन और चौथा पर्याय है मामा। तो इन चार पर्याय में से कोई सही उत्तर है? प्रश्न को हमें ध्यान से पढ़ना है कि सामने खड़ी लड़की की ओर देखकर वैभव ने कहा, वैभव बोल रहा है कि इसके पिताजी मेरी माँ को माँ कहते हैं। तो वैभव जिसे अपनी माँ कहता है उसी को उस लड़की के पिताजी भी माँ कहते हैं। इसलिए लड़की के पिताजी और वैभव क्या हुए? दोनों भाई भाई हो जा रहे हैं। अतः वैभव का लड़की से रिश्ता क्या होगा? चाचा का रिश्ता होगा, या वैभव जो है उस लड़की के चाचा लगेंगे रिश्ते में, और वो लड़की जो है वैभव की भतीजी लगेगी। तो वैभव कह रहा है कि इसके पिताजी मेरी माँ को माँ कहते हैं, अर्थात उस लड़की के पिताजी और वैभव दोनों भाई हो गए। तो वैभव से उस लड़की का क्या रिश्ता होगा? चाचा का रिश्ता होगा। तो पर्याय क्रमांक एक पर चाचा दिया है, तो उत्तर पत्रिका में हम पर्याय क्रमांक एक को इस तरह से गोल करेंगे। तो हमें इस प्रश्न को तर्क संगत से लगाना है और अनुमान तर्क संगत का उपयोग करके प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है। जब इसके पिताजी मेरी माँ को माँ कहते हैं, अर्थात उसके पिताजी दोनों भाई हुए, तो इस प्रश्न का उत्तर पर्याय क्रमांक एक पर चाचा है। चाचा इसका उत्तर जो है ये सही उत्तर होगा। दूसरा हम देखते हैं तर्क संगति व अनुमान के भाषिक में, प्रश्न दूसरा है, दीवार पर स्थित फोटो दिखाकर तनुजा ने कहा यह लड़की मेरी माँ की बहन की लड़की है। यह लड़की मेरी माँ की बहन की लड़की है। तो वह फोटो में स्थित लड़की तनुजा की कौन लगेगी? दीवार पर, प्रश्न को फिर से हम देखते हैं कि दीवार पर स्थित फोटो दिखाकर तनुजा ने कहा यह लड़की मेरी माँ की बहन की लड़की है। तो वह फोटो में स्थित लड़की तनुजा की कौन लगेगी? और इसमें उत्तर पर्याय है, पहला है देखिए बुआ की लड़की, दूसरा पर्याय है भांजी, तीसरा पर्याय है
मौसी की लड़की, और चौथा पर्याय है चचेरी बहन। तो इसको हमको प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है कि दीवार पर स्थित फोटो दिखाकर तनुजा ने कहा, तनुजा कह रही है दीवार पे लगे फोटो को दिखाकर कि ये फोटो फ्रेम में यह लड़की मेरी माँ की बहन की लड़की है। माँ की बहन को क्या कहते हैं? तो माँ की बहन को मौसी कहते हैं। माँ की बहन जो है, माँ की बहन को क्या कहते हैं? मौसी कहते हैं। तो प्रश्न को ध्यान से पढ़ने पे हमें पता चलता है कि यह लड़की मेरी माँ की बहन की लड़की है। बहन की लड़की अर्थात माँ के बहन की लड़की अर्थात मौसी की लड़की होगी, बुआ की लड़की नहीं होगी, भांजी नहीं होगी, चचेरी बहन नहीं होगी। पर्याय क्रमांक 3 पर इसका उत्तर है कि मौसी की लड़की होगी, माँ की बहन को मौसी कहते हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर जो है पर्याय क्रमांक 3 जो है ये सही उत्तर है। फोटो में अर्थात तनुजा की वह लड़की जो है, फोटो में दिखने वाली लड़की जो है तनुजा के मौसी की लड़की का रिश्ता उससे स्थापित होगा, वह जो है उसके मौसी की लड़की है। माँ के बहन की लड़की अर्थात मौसी की लड़की। तो पर्याय क्रमांक 3 जो है इसका ये सही उत्तर है। तो उत्तर पत्रिका में हमें इस तरह से पर्याय क्रमांक 3 को रंगना रहता है। तीसरा है, देखिए, अनिता के पिताजी सीमा के मामा जी हैं। अनिता के पिताजी सीमा के मामा जी हैं, तो सीमा की माँ अनिता की कौन? प्रश्न को फिर से हम ध्यान से देखना है। ऐसे प्रश्नों को 2-3 बार पढ़ने से आपको प्रश्न के अंदर ही उसका उत्तर प्राप्त होगा। अनिता के पिताजी सीमा के मामा जी हैं, तो सीमा की माँ अनिता की कौन? पहला पर्याय है देखिए मौसी, दूसरा पर्याय है बुआ, तीसरा पर्याय है चाची, और चौथा पर्याय है मामी। इन 4 पर्याय में से कोई एक उत्तर सही है। तो ध्यान से पढ़ने पर देखिए, अनिता के जो पिताजी हैं सीमा के मामा जी हैं, अर्थात सीमा की माँ यह अनिता के पिताजी की बहन है। सीमा की जो माँ को हम ध्यान से देखते हैं कि अनिता के पिताजी सीमा के मामा जी हैं, तो सीमा की माँ अनिता की क्या होगी? सीमा की माँ यह अनिता के पिताजी की बहन होगी। सीमा की माँ जो है यह अनिता के पिताजी की बहन होगी, तो सीमा की माँ अनिता की कौन होगी? तो सीमा की माँ जो है यह अनिता की बुआ होगी। क्या होगी? बुआ होगी। क्यों? क्योंकि अनिता के पिताजी सीमा के मामा जी हैं, तो सीमा की माँ जो है यह अनिता के पिताजी की बहन होगी। इसलिए सीमा की माँ अनिता की क्या लगेगी? बुआ लगेगी। तो पर्याय क्रमांक 2 पर देखिए, यहाँ बुआ लिखा हुआ है। तो इस प्रश्न का उत्तर जो है ये पर्याय क्रमांक 2 जो है ये सही उत्तर है कि अनिता के पिताजी सीमा के मामा जी हैं, तो सीमा की माँ अनिता की कौन लगेगी? बुआ लगेगी। तो पर्याय क्रमांक 2 जो है ये इसका सही उत्तर है। तो उत्तर पत्रिका में हमें पर्याय क्रमांक 2 के गोले को इस तरह से रंगना रहता है। प्रश्न 4 है, देखिए, अजीत ने सूरज को कहा तेरे पिता
मेरे पिता के एकलौती बहन के पति हैं, तो अजीत सूरज के कौन? प्रश्न को ध्यान से हमें फिर से पढ़ना है, इसको तर्क शक्ति लगा के, कि अजीत ने सूरज को कहा, अजीत ने सूरज को कहा कि तेरे पिता मेरे पिता के एकलौती बहन के पति हैं, तेरे पिता जो हैं मेरे पिता के एकलौती बहन के पति हैं, तो अजीत सूरज के कौन? यहाँ हमें रिश्ता बताना है, तो इसमें पहला पर्याय है देखिए बुआ का लड़का, दूसरा पर्याय है मौसी का लड़का, तीसरा पर्याय है चचेरा भाई, और चौथा पर्याय है मामा का लड़का। तो इन चार पर्यायों में से कोई एक उत्तर क्या है? सही उत्तर है कि अजीत ने सूरज को कहा तेरे पिता मेरे पिता के एकलौती बहन के पति हैं। किसके पति हैं? बहन के पति हैं, तो अजीत सूरज के कौन? यहाँ हमें रिश्ता बताना है।